अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जस्ट एंटर यूट्यूब चैनल और मैं हूं मियां कमर। आज फिर एक नई वीडियो के साथ। आई होप कि आप पिछली वीडियोस देख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज फिर मैं एक स्कोप का रिव्यू लेके आया हूं। टाइटल से आपको पता चल गया होगा, ये भी टीगल की एक स्कोप है जो स्प्रिंगर और पीसीपी दोनों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की है। और इसको मैंने ख़ुद पीसीपी के ऊपर यूज़ किया है, जो क्लैरिटी और वाइड एंगल और एक्यूरेसी ये देती है, कमाल की एक्यूरेसी देती है ये। मैंने इसको बहुत जगह पे यूज़ किया है, सेकंड फोकल होने के बावजूद भी इसने बहुत कमाल का रिज़ल्ट दिया है। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि काइंडली अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, ताकि आपको आने वाली नई वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। अभी जो हमने इसकी एक बात करनी थी वो ये थी कि टीगल ने मार्केट के अंदर, पाकिस्तानी मार्केट के अंदर भी और इंटरनेशनल भी, बहुत जल्दी अपना एक मकाम बनाया है और बहुत जल्दी उन्होंने इसको पूरे वर्ल्ड में फैला दिया। हालांकि बड़े बड़े ब्रांड्स हैं मार्केट में, लेकिन जिस तरह से डिस्कवरी भी बहुत स्पीड से फैला था, लेकिन वो इसलिए फैला था कि उसके तकरीबन कोई, अगर हम सिर्फ मॉडल्स की बात करें तो 50 प्लस थे और एक्सेसरीज़ भी अच्छी थी। तो इसी तरह टीगल ने भी बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी मार्केट कैप्चर की है और इन्होंने बड़ी थोड़े टाइम के अंदर बड़ी अच्छी अच्छी स्कोप, और सबसे जो इनकी मज़े की बात है कि इनकी क्लैरिटी सभी स्कोप से मुझे ज़्यादा मज़े की लगती हैं, कि इसकी जो क्लैरिटी है, वीएन की क्लैरिटी है, वो बहुत ही अच्छी है। तो आज जो हम स्कोप लेके आए हैं वो टीगल की आर सीरीज़ की 4.5-18.50 है, 4.5-18x44 जी बिल्कुल, और ये साइड फोकस है और हॉक रेटिकल के साथ है, इसलिए इसको आर 4.5-18x44 SFHK कहा गया कि ये साइड फोकस भी है और साथ में इसका जो रेटिकल है वो भी हॉक रेटिकल है। तो लीजिए हम इसकी एक अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं और बाकी चीज़ें इसकी उसी के साथ ही डिस्कस करते हैं। लीजिए हम इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर दी। मैं ये बॉक्स का जो ढक्कन है साइड पे कर रहा हूँ जी। ये इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल आ गया, इसको भी हम साइड पे कर देते हैं। अच्छा, ये इसके साथ पहले नहीं आ रहा था, टरेट्स को घुमाने के लिए या खोलने के लिए, और साथ में इन्होंने एक और चीज़ भी दे दी है, क्योंकि पहले जो आ रही थी उसमें ये दोनों चीज़ें साथ अवेलेबल नहीं होती थी। ये टरेट्स को घुमाने के लिए होता है, मैं आपको उसको खोल के भी दिखाऊंगा, खोलने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि आप सिक्के के साथ खोलते हैं तो मोस्टली जो होता है वो उड़ा देता है आपका कलर। और ये वाला मैग्नीफिकेशन टूल के ऊपर लगता है, मैग्नीफिकेशन व्हील के ऊपर, उसको घुमाने में आसानी रहती है। स्कोप निकालते हैं और इसमें इसका ओरिजिनल वही क्लॉथ है, इसकी स्क्रीन साफ़ करने के लिए, फ्रंट और बैक लेंस को साफ़ करने के लिए ये इसके साथ आता है। ये इसके साथ इसका सनशेड आता है, इसकी लेंथ भी बढ़ा देता है और सनशेड भी नहीं पड़ने देता। इसको भी हम साइड पे कर देंगे, बॉक्स भी साइड पे कर देंगे, जल्दी से स्कोप खोल लेंगे और देख लेते हैं कि ये इस दफ़ा इंपोर्ट जब आई है तो इसमें क्या कुछ चेंजेस आई हैं। प्राइस हमने इसकी सेम ही रखी है, हालांकि इस दफ़ा हमारी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हुई है। ये सिलिका जेल भी इसके साथ होती है ताकि नमी वगैरह से इसको बचा के रखें जी। ये फ्रंट और रेयर डस्ट कवर, फ्लिपन कवर हैं इसके साथ, और फ्रंट के ऊपर भी इसका सेम फ्रंट ही अपना फ्लिपन कवर है। ये दोनों हम बंद कर देंगे और उतार के साइड पे रख लेंगे। टीगल की आर सीरीज़ है ये, पिछली दफ़ा ये आई थी और ये बहुत हार्ड सेल हुई है, बहुत अच्छी थी। अभी इन्होंने कुछ इसमें चेंजिंग की हैं। चेंजिंग क्या की हैं, एक तो इसके साथ उन्होंने ये मैग्नीफिकेशन टूल के साथ उन्होंने एक आपको टूल और दे दिया है कि आपको इसको घुमाने में
आसान नहीं हो, तो ये इसलिए यूज़ होता है। सेकेंडली इसके मैं अभी एक दफ़ा इसकी ना जल्दी से आपको कुछ चीज़ें पहले बता के तो फिर हम इसके ऊपर आते हैं। इसकी अगर हम ओवरऑल लेंथ की बात करते हैं तो वो 313 mm है, और हम अगर इसको इंचेस में चेक करें तो इंचेस ये 12.5 बन रहे हैं विदाउट उसके इसके सनशेड लगाने के। अभी इसका हम जो देखना चाह रहे हैं ये इसका आईपीस आई रिलीफ को सेट करने के लिए बहुत ही मज़े का बना हुआ है। रेटिकल भी मैं कंफर्म कर लूं कि इन्होंने हाँ जी हॉक रेटिकल ली है हाफ मिल डार्ट के साथ। इसके अलावा इसके क्लिक्स जो हैं वो उन्होंने पहले यहाँ पे ये एक रेड लेयर लगी होती थी वो इन्होंने चेंज कर दी है, हैं ये वो ही अपना अप और डाउन टरेट्स लॉक के साथ आए हैं। इसके बारे में बताने से पहले आपको ये बता दूं कि ये जो टूल का मैं बता रहा था ये बेसिकली ये इसको इजीली घुमाने के लिए यूज़ होता है, इसको खोलने के लिए भी यूज़ होता है। ये अगर हमने इसको खोलना हो तो इसी की मदद से खोल लेते हैं, और खोलने का मकसद ये होता है कि आप इसको ज़ीरो रीसेट कर सकते हैं दोबारा। जैसे ये मैंने इसको ज़ीरो रीसेट कर दिया, ये आपको ज़ीरो नज़र आ रही होगी, यहाँ पे इसको मैंने रीसेट कर दिया है। ये आप जब ज़ीरो कर लेते हैं तो उसके बाद आप इसको रीसेट करते हैं, उसको ज़ीरो पे लेके आ जाते हैं ताकि आप क्लिक्स जब दे रहे हों शिकार के दौरान या टारगेट शूटिंग के दौरान तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये जब नीचे बैठ जाता है तो फिर घूमता नहीं है, जब इसको हम ऊपर खींचते हैं ऊपर की तरफ लॉकडाउन इसलिए कहते हैं इसको, तो ये फिर प्रॉपरली काम करने शुरू कर देता है। ये वन क्लिक इज़ इक्वल टू 1/10 mm है इसकी जो अपना करने के लिए आप ज़ीरो करने के लिए यूज़ करेंगे। इसके लिए मैंने बेसिक लर्निंग ऑफ स्कोप एक बनाई हुई है वीडियो, आप उससे देख सकते हैं। लेफ़्ट और राइट का भी इसका जो टरेट है वो भी सेम ही है, अच्छे क्लिक्स हैं इसके लॉकडाउन के साथ है। ये भी इसमें एक चेंजिंग आई है कि यहाँ पे भी एक रेड पट्टी लगी होती थी वो भी उन्होंने ख़त्म कर दी है, बाकी नीचे से ये सेम ही है। ये इसका साइड फोकस है, फोकस के बारे में मैं आपको अक्सर बताता होता हूँ कि फोकस जो इसका है जो एडजस्टेबल ऑब्जेक्टिव के साथ होती है उसका फ्रंट से फोकस होता है, ये वाली जो है इसका साइड से फोकस होता है। तो ये स्टार्ट हो रहा है फोकस इसका 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75, 100, 200, 400, 600 और फिर इन्फिनिटी तक ये जाता है। तो ये इसमें एक फीचर इन्होंने एक्स्ट्रा दी है, पीछे वाले का जो था वो 200 तक था, इसको इन्होंने जो है वो बढ़ा दिया है 600 तक लेके गए हैं। क्लैरिटी वाइज ये बहुत अच्छी है, फोकस भी बहुत है इसका इजी और जल्दी होता है, वाइड एंगल भी है ये भी। ओवरऑल अगर हम इसकी बात करें तो खूबसूरती के लिहाज से ये खूबसूरत भी बहुत है, और इसका जो मैग्नीफिकेशन है वो भी बड़ी अच्छी है, और जूम करने के ऊपर ये आउट ऑफ फोकस भी नहीं होती। तो ये इसकी कुछ खसूसियात थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। जहाँ तक इसकी प्राइस का कंसर्न है तो अभी प्राइस तो इसकी बढ़ गई है लेकिन अभी भी हम ये आपको 16,000 में ही देंगे, अवेलेबल है, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके भी इसको डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हैं। एक चीज़ जो रह गई है इसकी वो इसका था वेट, वेट जो है इसका ना उन्होंने वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन दी है और ना ही मैं इसको भी मेजर कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसको मेजर करने की कोशिश करूँ तो ये 500 के राउंड अबाउट ही है, 500 ग्राम के करीब करीब ही है। मज़ीद भी मैं इसको एक दफ़ा मेजर करके देख लेता हूँ, मे बी ये 500 से अगर कम हुई तो मेरा ये जो स्केल है 500 मीटर तक करता है तो ये बता देगा। इसके तो सैलरी भी हुए पड़े हैं लेकिन मैं आपको फिर भी कुछ बता देता हूँ
जी ये 500 से ज़्यादा ही है, तो इट्स मीन के 525 या 550 के, 560 के राउंड अबाउट होगी ये। तो ये था इसका एक छोटा सा अनबॉक्सिंग का रिव्यू, आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। जी दोस्तों, ये थी टीगल की R4518-44 SFHK। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको इसमें से कुछ सीखने का मौका मिला होगा और स्कोप के बारे में भी आपको काफ़ी सारा आइडिया हो गया होगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। नासिर फ़ी अमानिल्लाह।